हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग फंक्शंस के अंदर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस दोनों ही पासिंग आर्ग्यूमेंट्स के केस में आते हैं। जब भी हमें फंक्शन के अंदर पैरामीटर यानी कि आर्ग्यूमेंट्स पास करना होता है तो हम दो तरीके से पैरामीटर पास करते हैं। एक केस होता है जब हम लोग कॉल बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक केस होता है जब हम कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। ठीक है, जब हम एड्रेस को पास करते हैं। कॉल बाय वैल्यू में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं, चाहे फैक्टोरियल का हो, टेबल का हो, टेबल ऑफ ए नंबर हो, दो वैल्यू का एडिशन हो, या और भी हमने कोई प्रोग्राम्स हमने फंक्शंस के थ्रू अभी तक अपने वीडियो लेक्चर्स में बनाए हैं या किए हैं, वो सारे के सारे कॉल बाय वैल्यू के एग्जांपल हैं। ठीक है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ों को समझने वाली कॉन्सेप्ट है कि वहाँ एक दिक्कत आती है जिसका सॉल्यूशन हम फिर कॉल बाय रेफरेंस में करते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आर्ग्यूमेंट्स पासिंग के केस में फंक्शन के अंदर दो तरीके से पास होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। वैल्यू को पास करना इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि एक कोई मेरे पास नोटबुक है, उसका कोई पेज आपने फोटोकॉपी करवाया, और आप फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स कॉपी आप करवा के उस पेज को आप घर पे ले गए। ठीक है, तो ये एक तरीके का बेसिकली कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि मैंने सिर्फ वैल्यू पास कर दी, लेकिन वो वैल्यू जिधर गई वो किसी और लोकेशन, किसी और एड्रेस पे जाके स्टोर हुई है। जैसे मान लीजिए मैंने एक 10 भेजा, उस 10 को बी ने कैच कर लिया 10 के रूप में। ठीक है, तो अब ए जो 10 मैं यहाँ से वैल्यू भेज रहा हूँ, तो मैं केवल वैल्यू भेज रहा हूँ। अब ए का कोई मेमोरी लोकेशन भी होगा, लेट से उसका मेमोरी लोकेशन है 1012, और बी भी कोई मेमोरी लोकेशन होगा, बी का कोई मेमोरी लोकेशन है 2096। अब आपने 10 यहाँ से भेजा, 10 यहाँ चला गया, जो ये पहले खाली था अब ये 10 हो गया, ए की वैल्यू बी में चली गई। दिस इज अ कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट कि दोनों सेपरेट लोकेशंस हैं, दोनों सेपरेट वेरिएबल्स हैं, दोनों के पास वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू सेम है लेकिन ऑन डिफरेंट लोकेशन। तो रेफरेंस में क्या होता है अभी वो देखेंगे, पहले हम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ समझ लें कि इसमें प्रॉब्लम हमें क्या हो सकती है। एक प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें हम दो नंबर्स की स्वैपिंग करेंगे, ठीक है, यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, स्वैपिंग ऑफ two values using call by value। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए स्वैपिंग का मतलब हो गया सिंपल इंटरचेंज। अब इंटरचेंज कर रहे हैं तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं। मैं फंक्शन का नाम रखना चाहता हूँ स्वैप, दो पैरामीटर है इंट कॉमा इंट, और एक रिटर्न टाइप है वॉइड। रिटर्न टाइप में इंट लगाता हूँ तो प्रॉब्लम यह है कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स में दो वैल्यू रिटर्न कैसी होगी। रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है हमने कि रिटर्न स्टेटमेंट ओनली रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू स्टेटमेंट वैल्यू, तो दो वैल्यू तो रिटर्न होगी नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे वॉइड लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया ए और एक वेरिएबल लिया बी। ठीक है, हम चाहे तो उसको इनपुट करवाएं, हम चाहे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहां दे दें। ठीक है, सबसे पहले हम इनपुट करवाते हैं ए और बी के अंदर, एंटर टू वैल्यूज ए एंड बी, स्कैनफ, दो परसेंटेज भी बिना स्पेस के, बिना कॉमा के,
एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी. नाउ यू कॉल अ फंक्शन स्वैप ए कॉमा बी एंड व्हाट वी वांट टू डू, हम देखना चाहते हैं कि वैल्यू स्वैप हुई है कि नहीं हुई है. आइडियली जब हम वर्ड लगाते हैं तो आंसर नीचे ही प्रिंट करवा देंगे, मतलब अभी फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर ही प्रिंट करवा देंगे. बट अगर मुझे आंसर यहाँ प्रिंट करवाना है, मेन के अंदर प्रिंट करवाना है, और मैं देखना चाहता हूँ कि स्वैप हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैं कैसे करूँगा. देखिए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी ए, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू परसेंटेज डी बी, उसके बाद गेट सी एच, प्रोग्राम क्लोज्ड. ये प्रोग्राम बंद हो गए यहां पर, ठीक है. अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं, जो स्वैप नाम का फंक्शन कॉल किया था उसको बना रहे हैं. इंट मान लीजिए ए, इंट मान लीजिए बी. अब आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सी, सी इक्वल्स टू ए, ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी, और ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया, कुछ रिटर्न करवाना नहीं है. अब आइडियली जब हम वॉइड लगाते हैं तो नीचे ही आंसर प्रिंट कर देते हैं, आप नीचे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना. आपका आंसर हो सकता है कि ठीक भी आ जाए, मतलब ठीक ही आएगा, ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर. लेकिन यदि मुझे दो वैल्यूज जो मैंने चेंज की है, इंटरचेंज की है, उसका मुझे मेन में यूज़ है, तो मैं मेन में उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, यानी कि रिजल्ट को मैं मेन के अंदर प्रिंट करवाना चाहता हूँ. ऐसे केस में हमारे साथ एक समस्या ये आएगी कि जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं और जब हम कॉल कर रहे हैं और जब हम उसको कैच करवा रहे हैं, इन तीनों पर ध्यान दीजिएगा. डिक्लेरेशन के समय में हमने यहाँ पर दो वैल्यू भेजनी है, तो हमने इंट कोमा इंट लगा दिया. जब ए और बी भेज रहे हैं तो यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं, इन आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल या फिर डमी आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज में चेंज आने से, दोबारा सुन लीजिए, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज में बदलाव आने से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता. इसका मतलब क्या है, देखिए, जब आपने ए और बी आपने आर्ग्यूमेंट्स में भेजे तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ. यहाँ बता देता हूँ, यहाँ के जो ए और बी है वो कुछ इस तरीके से है, ए और बी, ये रहा बी, इसका एड्रेस 1012, इसका एड्रेस 2096, इसकी वैल्यू मान लीजिए आपने इनपुट की 10, इसकी वैल्यू इनपुट की मान लीजिए 20, ठीक है ना. नाउ यू आर पासिंग ए एंड बी टू अनदर ए एंड बी. ये वेरिएबल्स नाम मैं चाहे बदल के रख दूं, चाहे मैं सेम रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये दोबारा डिक्लेयर हो रहे हैं, तो ये ए ये रहा, एक ये रहा बी, इनके एड्रेसेस अलग अलग है. जैसे इसका एड्रेस है मान लीजिए 1008, इसका है मान लीजिए 2004, लेट से, ठीक है. ए ने ए की वैल्यू कैच की, बी ने बी की वैल्यू कैच की, तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 20, ठीक है. नाउ यू आर एक्सचेंजिंग, ये लॉजिक आपको पता ही है कैसे हम वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है. जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है सी, उसका भी कोई एड्रेस है अपना, तो ए की वैल्यू सी में गई 10, बी की वैल्यू ए में गई, बी की वैल्यू ए में गई 20, और सी की वैल्यू जो कि ए की प्रीवियस वैल्यू थी वो हमारी बी में गई, तो यहाँ पे आ गया 10. तो अगर आप यहाँ पे 20 देख रहे हैं, यहाँ 20 हो गया, यहाँ पे अगर आप 20 ए और बी को प्रिंट करवाते तो इंटरचेंज दिखेंगे, लेकिन ये ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है. मतलब मैंने आपको एक रजिस्टर का पेज फोटोकॉपी करवाने के लिए दिया जिसमें एक प्रोग्राम लिखा था, आपने जीरोक्स कॉपी करवाया, ओरिजिनल कॉपी आपने मुझे दे दी, और जीरोक्स कॉपी यानी कि फोटोकॉपी आप घर पे ले गए. अब दोनों फोटोकॉपी में वैल्यू तो सेम है, देख रहे हैं 10 20 10 20, ठीक है ना.
वैल्यू सेम है। अब आप घर पे जाके अपने जीरोक्स कॉपी में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ अदला बदली करते हैं, तो क्या वो मुझे मेरी कॉपी में दर्शाएंगे, मेरी कॉपी में मुझे शो होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपनी कॉपी में चेंज किया है। दोनों पेज के अंदर कंटेंट सेम है, लेकिन उस पेज वो दोनों पेजेस अलग अलग हैं। एक पेज आपके पास है, एक रजिस्टर मेरे पास है जिसपे वो प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप अपने पेज पे लिखे हुए प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट मेरे प्रोग्राम पे नहीं आएगा। आपने यहाँ चेंज किया, मैं लौट के वापस यहाँ पर आया, ठीक है, वापस आया तो मैं किस एरिया में आ गया, मैं वापस इस एरिया में आ गया, ठीक है। ये मेरा एरिया है, ये GetCH मैंने यहाँ पे बंद कर रखा है, ये मेरा पूरा एरिया है। तो मेरा जो प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या आएगा? आंसर आएगा वैल्यू of A equals to 10, value of B equals to 20, क्योंकि यहाँ तो चेंज हुआ ही नहीं, आपने चेंज यहाँ पे किया है, ठीक है। नीचे प्रिंट करवाता, इस एरिया में प्रिंट करवाता तो बेशक प्रिंट होता, लेकिन अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे तो 10 और 20 ही प्रिंट होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऊपर के वेरिएबल्स और नीचे के वेरिएबल्स अलग अलग हैं। आपने ऊपर के वेरिएबल्स की वैल्यू को नीचे के वेरिएबल्स की वैल्यू में भेजा, नीचे के वेरिएबल्स ने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, किसकी? अपनी वैल्यू चेंज कर दी, तो उसका इफेक्ट ऊपर वाले वेरिएबल में नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के मेमोरी के अंदर जो एड्रेसेस हैं वो अलग अलग हैं। आपने इस एड्रेस पर चेंज किया, उस एड्रेस पर चेंज नहीं किया, ये कॉल बाय वैल्यू का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन है कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय रेफरेंस में हम देखेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को हम इसी प्रोग्राम का यूज़ करके सॉल्यूशन दे सकते हैं कि नीचे रह के ही हम ऊपर को ऊपर दिए हुए वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस कर दें। हम नीचे रह के फंक्शन के अंदर रह के ऊपर के वेरिएबल्स की वैल्यू को बदलाव कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने फोटोकॉपी कराई, अब आप मुझे कॉल कर रहे हैं, सर लाइन नंबर 3 में चेंज कर दीजिए, लाइन नंबर 7 में चेंज कर दीजिए, एंड आई विल चेंजिंग इट, दैट इज क्लियर, ठीक है ना। नाउ यू आर एक्चुअली इंस्ट्रक्ट मी कि भाई यहाँ पे चेंज कर दो, वहाँ चेंज कर दो। तो अब हमने वो तरीका अपनाना है कॉल बाय रेफरेंस में कि नीचे रहते हम ऊपर की वैल्यू में चेंजेस लेकर आएंगे, दैट इज क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे विद सेम एग्जाम्पल, सेम टाइप, इसी को लिखेंगे दोबारा से, इसी में ही चेंजेस करेंगे, और एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा पॉइंटर्स का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सी में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं वो पॉइंटर के लिए होते हैं, और वो हम सबसे इजी कर देंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो पॉइंटर का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हैं। अभी बस आप एक लाइन इस पूरे वीडियो से एक लाइन समझ लीजिए कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू बदलाव आने से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको लिखेंगे हम लोग नोट करके। चेंज इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स डजंट इफेक्ट ऑन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इस वीडियो से आप ये लाइन समझिए और इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू में बदलाव होने से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।